हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स महायुद्ध। जैसा कि आपने पिछले भागों में आपने पढ़ा कि नागराज के खजाने की मणियों को हटाने निकली नगीना भी और नागपाशा तथा गुरुदेव भी। नगीना मणियां ले उड़ी और नागदीप पहुंचकर तांत्रिक अंकुश की मदद से कालदूत को गुलाम बनाकर उसने कालदूत को विसर्पी को मारने के लिए भेज दिया। इधर मणियों की पूरक त्रिफना रुसर्प की मूर्ति की तलाश में नागपाशा तथा गुरुदेव भी आ पहुंचे नागदीप और राजा मणिराज की भस्म तथा नागपाशा की त्वचा से एक बालक का निर्माण करने लगे। विसर्पी नागराज के पास जा पहुंची और कालदूत तथा नागराज के युद्ध में विजय नागराज की हुई। कालदूत भी अंकुश से मुक्त हो गए। वेदाचार और भारती गुरुदेव की तलाश में नागदीप पहुंचकर गुरुदेव की योजना को ध्वस्त करने लगे, लेकिन असफल रहे। वेदाचार ने विसर्पी एवं नागराज का विवाह करवाना चाहा ताकि बालक के पैदा होने से पहले नागराज नागदीप का शासक बन जाए, लेकिन बालक पहले पैदा हो गया और नागपाशा ने शासक बनते ही नागदीप के खजाने में रखी त्रिफना की मूर्ति को हासिल कर लिया। मणियां त्रिफना सर्प की मूर्ति पर स्थापित हुई और नागपाशा तीनों समय कालों का राजा बन गया। नागराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नागपाशा ने उसे उसके भविष्य में भेज दिया, जहां पर नागराज बूढ़ा एवं अशक्त हो चुका है। अब एक तरफ अशक्त नागराज और दूसरी तरफ भविष्य के हथियारों से लैस हजारों दुश्मन। नागपाशा ने मुझे मेरे ही भविष्य में भेज दिया है। अब मेरे पीछे सैकड़ों दुश्मन हैं और मुझे ये तक पता नहीं कि इस भविष्य में मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। कैसे जीतूंगा मैं ये महायुद्ध? जब तक मुझे अपनी और इनकी शक्तियों का अंदाजा न लग जाए, तब तक मुझे इनसे बचते रहना होगा। नागराज व्यवहार तो बचा गया, लेकिन इस मेहनत का कुछ फायदा नहीं हुआ। आह, ये किरण तो दिशा बदलकर मुझ पर वार कर रही है, लेकिन इसका घाव तुरंत भर भी रहा है, यानी मेरे सर्प अभी भी प्रचुर मात्रा में मेरे शरीर में है। आश्चर्य, ये तो कटिंग बीम का वार खाकर भी जिंदा है। जरूर इसने कोई बीम प्रूफ पोशाक पहन रखी है। पोशाकें बीम प्रूफ तो हो सकती हैं, लेकिन ब्लास्टर प्रूफ नहीं हो सकती। यह ब्लास्ट हमारे दुश्मन के चीथड़े उड़ा देगा। अरे कहाँ गया? अभी अभी तो हमारी आंखों के सामने था। अब मैं यहाँ हूँ, इच्छाधारी शक्ति ने मुझे बचा लिया। ओ माई गॉड, अभी हमारे पीछे आ गया। ये शैतान का अवतार है, इसको खत्म करना ही होगा। मैं तुम लोगों को इसका मौका नहीं दूंगा। आई, इसके हाथों से ये कीड़े कैसे निकल रहे हैं जो हमारे हथियार छीन कर ले जा रहे हैं? ये कीड़े नहीं है, इनको सांप कहते हैं। अत्यंत जहरीले प्राणी होते हैं ये। मैंने कल ही ऐसा एक चिड़ियाघर में देखा था। ये कैसा भविष्य का संसार है? हरियाली का नामो निशान नहीं है, आसमान में एक भी पंक्षी नहीं है, और सांप से चिड़ियाघर में मिलते हैं। ये जरूर ऐसी दुनिया जो किसी भयंकर आपदा से गुजरी है। शायद ये आणविक युद्ध के बाद की दुनिया है। नहीं, रुक जाओ, ये शैतान नहीं, एक मामूली इंसान है जो मारने से मर सकता है। इसको खत्म करो, वरना मैं तुम्हारी इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। इस बार हमलावरों ने आगे बढ़ते ही विश्वंकार का सामना करना पड़ा। उफ, ये हमसे मरेगा नहीं, और फिर शासक हमको छोड़ेगा नहीं। शरीर से सांप छोड़ने वाले, अदृश्य होने वाले और कटिंग बीम तक को झेल पाने वाले शैतान को भला कौन मार सकता है? मशरैला मशरैला मार सकता है। एक शैतान को दूसरा शैतान ही मार सकता है, लेकिन मशरैला के लिए आज की बलि जा चुकी है। आज मशरैला एक नहीं, दो बलियां पचाएगा। एयर पावर बुलाओ, इसको मशरैला की ओर खदेड़ो। कुछ ही पलों बाद नागराज पर हवा से हमले होने लगे। ओह, इस वृद्धावस्था में मेरे शरीर में इतनी फुर्ती नहीं है कि मैं हवाई हमलों से बच सकूं। इस मुसीबत से बचकर नहीं भागा जा सकता, सामना करना पड़ेगा। अरे, ये तो छिपकली की तरह 600 मंजिली टावर पर चढ़ता जा रहा है। कुछ ही मिनटों में सरसराता नागराज टावर की आखिरी मंजिल पर था। अब मैं इनियानों के इतनी पास पहुंच गया हूं कि इनके हमलों का जवाब दे सकूं, और विस्फोट का जवाब विस्फोट से ही दिया जाता है। ध्वंसक सर्पों के हमले ने यान का संतुलन बिगाड़ दिया और एक यान युद्ध से बाहर हो गया। पहले यान की दुर्दशा देखकर दूसरे यान ने रणनीति बदल दी। ओह, कोई किरण मुझे दबोच रही है, मुझे अपने शिकंजे में ले रही है। इच्छाधारी की शक्ति का प्रयोग करके इससे बचना बेकार है, क्योंकि आसपास नागरस्सी अटकाने का स्थान नहीं है। कुछ ही देर में यान नागराज को वहां तक ले आया था जहां पर वह उसे खदेड़ कर लाना चाहता था, मशरैला के पास। ये मैं कहां आ गया हूं? चारों तरफ तबाही के चिन्ह और किसी भी जीव का नामो निशान तक नहीं। ये आवाज तो इंसानी लगती है। कौन हो तुम और यहां पर मरने के चले आए? बलि तो आज मेरी चढ़नी है। नागराज बलि लेने वाले की बलि चढ़ा देता है। कौन है यह मशरैला और उसको रोज बलि क्यों चढ़ती है? क्योंकि अगर उसको बलि नहीं मिली तो वह शहर पर धावा बोल देगा, सैकड़ों जाने जाएंगे, इसलिए हम उसकी भूख को शांत रखते हैं। रोज एक इंसान अपनी जान देने यहाँ आता है और बाकी सबकी जान बचाता है। तुम लोगों के पास तो अत्याधुनिक हथियार है, मशरैला को मार क्यों नहीं डालते?
लगता है तुम बाहर से आए हो। मशरेला मर नहीं सकता, हमारे हथियार उसको मार नहीं सकते। न्यूक्लियर युद्ध के विनाश से पैदा हुआ है मशरेला, वो देखो। ये है मशरेला, न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण पैदा हुए एक अजीबोगरीब प्राणी। ओ, ये तो महाभयंकर जीव है। पता नहीं मेरे वृद्ध शरीर में इतनी ताकत बची है या नहीं कि मैं इसको हरा सकूं या नष्ट कर सकूं। नागपाशा और गुरुदेव की नजरें इसी युद्ध पर जमी हुई थी। अब नागराज मरेगा गुरुदेव, इसकी मौत बहुत आवश्यक है नागपाशा, क्योंकि तुम दोनों का एक ही वंश होने के कारण सिर्फ नागराज ही तुमसे तृष्णा छीन सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और नागद्वीप में आपने नागराज से विवाह मेरे आंसुओं के कारण नहीं किया ना दीदी, शायद मैंने आपको नागराज के प्रति अपने प्यार के बारे में बताकर गलती की है। ऐसा नहीं है पगली, वैसे ही वह विवाह जिस कारण से हो रहा था वह कारण भी तो खत्म हो गया है। तुम दोनों वहां पर क्या खुसर खुसर कर रही हो, नागराज की चिंता है या नहीं? वह भविष्य में ना जाने किस मुसीबत में फंसा होगा। चिंता है दादाजी, बहुत चिंता है, पर आप ही बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो महात्मा कालदू से त्रिफना के बारे में विस्तार से पूछो विसर्पी, शायद वे कोई ऐसी बात बता दे जिससे नागराज को वापस लाने में मदद मिल सके। हाँ, ऐसा हो सकता है, त्रिफना के विषय में कालदूत से ज्यादा और कोई नहीं जानता। चलिए हम महात्मा कालदूत के पास चलते हैं, कालदूत की गुफा में। हम समाधि में जा रहे हैं नाग सैनिकों, सम्राट का ख्याल रखना। किसी को इसी मौके का इंतजार था। कौन? नगीना, तू? तेरी यहां पर आने की हिम्मत कैसे? आ, चिल्ला मत वरना कालदूत समाधि पर से उठ जाएगा। दूसरे सैनिक कबार नगीना को छेदने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन आ, विशंधर, तू नगीना के साथ? हा, देवी नगीना ने मुझे तिलिस्मी रस्सी के बंधनों से आजाद किया है। वैसे भी इनका और मेरा मकसद एक ही है, इस बच्चे को खत्म करना। नागदीप के सम्राट बनेंगे तो सिर्फ हम। आ, महात्मा, ये क्या? नगीना और विशंधर बच्चे को उठाकर भाग रहे हैं और अब महात्मा कालदूत उनके पीछे जा रहे हैं। हमको भी इनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। रुक जा नगीना, सम्राट को वापस मुझे सौंप दे। नहीं कालदूत, तुझे इस बच्चे की लाश तक नहीं मिलेगी। तू चाहती क्या है नगीना? नागदीप की सम्राज्ञी बनना चाहती हूं मैं, सैकड़ों वर्षों से ये सपना मैं देख रही हूं। अब अगर नागदीप मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा, यानी तू सम्राट को मारकर ही दम लेगी। ठीक है, कोशिश करके देख ले। कोशिश नहीं, मैं अपना काम करके रहूंगी कालदूत। ये गया तेरा सम्राट ज्वालामुखी के लावे में, कुछ ही देर बाद ये लावे तक पहुंचकर खाक हो जाएगा। मैं उतनी देर में उनको बचा लूंगा। ये कवच कुछ देर के लिए लावे के ताप को सह सकता है और उतना समय मेरे लिए काफी है। वह तब कालदूत जब तू शिशु के पीछे ज्वालामुखी के अंदर जा पाएगा। हम तुझको ज्वालामुखी के अंदर जाने ही नहीं देंगे। मूर्ख नागिन, तुम दो हो तो हम तीन हैं। तू हमसे जीतने की आशा भी मत रख। हमको तुझसे जीतना नहीं है कालदूत, सिर्फ तुमको रोके रखना है शिशु के भस्म हो जाने तक, और यह कार्य उतना कठिन नहीं है। आह, मेरी शक्तियां रत्नों के कारण चाहे बढ़ गई हो नगीना, तेरी शक्तियां रत्नों के कारण चाहे बढ़ गई हो नगीना, लेकिन कालदूत के पास तेरी हर शक्ति की काट है। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आह, हम दोनों ही तंत्र शक्ति के पूर्ण ज्ञाता होने के बावजूद कालदूत से हार रहे हैं। इसका कारण हमारी तंत्र शक्तियों के अलग अलग होना है। हमको भी कालदूत की तरह एकाकार होना पड़ेगा, एक ही शरीर में आना होगा। आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा देवी नगीना। तो फिर सर्प रूप में आकर मेरी तंत्र शक्ति के साथ अपनी शक्तियां मिलाओ, एकाकार हो। एक लड़ाई का रुख पलट गया। अब हमारी एकाकार तंत्र शक्ति कालदूत पर हावी हो रही है। आह, ये क्या क्या चाल चली दुष्ट। अब सम्राट के ऊपर चढ़े कवच को नष्ट होने में कुछ ही पल बचे हैं और इस कवच के नष्ट होते ही मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास समय नहीं है, इस वक्त नगीना को काबू में करने का एक ही रास्ता है। उसने विषंदर से जुड़ने के लिए जिस तंत्र ऊर्जा का प्रयोग किया है उस तंत्र ऊर्जा को बढ़ाना होगा। मैं दूंगा उसको वह अतिरिक्त तंत्र ऊर्जा, और वह तंत्र ऊर्जा जैसे ऐसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनके शरीर और भी ज्यादा जुड़ते जाएंगे, तब तक जब तक ये अर्ध विषंदर और अर्ध नगीना नहीं बन जाते। आई, ये क्या हो गया, मेरा आधा शरीर कहाँ चला गया? तू नहीं चाहती थी ना नगीना, तू यही चाहती थी ना नगीना, विषंदर के साथ एकाकार होकर अपनी तंत्र शक्ति बढ़ा रही थी। अब मृत्यु भी तुम दोनों को एक साथ ही आएगी, खौलता लावा बनेगा तुम दोनों की चिता। नगीना और विषंदर ज्वालामुखी के मुहाने में समाते चले गए और उनके पीछे पीछे कालदूत भी उस मौत के द्वार में घुस गए। समय बहुत कम है, हमको अपनी गति को तीव्रतम स्तर पर पहुंचाना होगा। शायद सम्राट अभी लावे की सतह तक ना पहुंचे हों। वो रहे सम्राट, वे लावे की सतह से कुछ ही दूरी पर हैं। ओह सम्राट, लावे में गिर गए,
मेरा कवच न जाने किस तीव्रता को कब तक सह पाएगा। कालदूत ने अपने शरीर पर भी वैसा ही कवच चढ़ाया और आग के उस दरिया में डुबकी लगा गए। उफ, ये लावे की झील है, पानी की नहीं, इसलिए इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। टटोलना पड़ेगा, और इतनी देर में सम्राट के ऊपर चढ़ा कवच भी नष्ट हो जाएगा और हमारे हमारे ऊपर चढ़ा कवच भी। अपनी दुम को बढ़ाना होगा, लंबी दुम बड़ी सुगमता से टटोलने का काम कर सकती है। कालदूत की पूंछ लावे के उस समुद्र में तेजी से घूमने लगी और सफलता मिल ही गई। स्पर्श होते ही दुम ने शिशु को लपेट लिया और ओहो, नगीन और विषंदर का जो भी हुआ हो, लेकिन शिशु को महात्मा ने बचा लिया है। अब नगीना नाम की मुसीबत टल गई है तो हमको महात्मा के पास चलकर अपना काम कर लेना चाहिए। नागराज को बचाने में देर होती जा रही है। थोड़ी देर बाद कालदूत की गुफा में, त्रिफना से बचने का कोई तरीका नहीं है वेदाचार, और अगर होता भी तो मैं तुमको नहीं बताता, क्योंकि नागराज को नागपाशा ने दंड दिया है और फिलहाल नागपाशा यहाँ के कार्यकारी सम्राट हैं। मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब नागराज को अकेले ही भविष्य की मुसीबतों से जूझना पड़ेगा। नहीं विसर्पी, रास्ता है। कालदूत ने ऐसा संकेत दिया है, लेकिन वह रास्ता वे तभी बताएंगे जब उनके ऊपर से नागपाशा का प्रभाव टल जाएगा। और यह प्रभाव हटाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक, उस शिशु की मृत्यु। उस अप्राकृतिक शिशु को रास्ते से हटाना होगा। उसके हटते ही नागपाशा का प्रभाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दादाजी, अभी अभी आपने खुद देखा कि ऐसा करने की चेष्टा करने पर महात्मा ने नगीन और विषंदर की मृत्यु को हवाले कर दिया। नागराज को मौत से बचाना है तो मौत से खेलना होगा भारती। मैं तक्षराज के कुल का दीपक बुझने नहीं दूंगा, चाहे खुद बुझ जाऊं। नहीं, ऐसा मत करिएगा वेदाचार। वह शिशु जैसा भी है, पिताजी की निशानी है। मेरे पिता मणिराज कांश है, उसका शरीर में, वह मेरा भाई है। भैया, विश्वप्रिय की मृत्यु के बड़े दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जिसे मैं राखी बांध सकूं। उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु होगी वेदाचार। विश्वप्रिय के विषय में जानने के लिए पड़े शंकर शहंशाह। शांत हो जाओ विसर्पी, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब हम नागपाशा का प्रभाव हटाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएंगे, और उसके लिए मुझे फेसलेस की आवश्यकता पड़ेगी। फेसलेस? हाँ, फेसलेस। जाओ भारती और फेसलेस को ढूंढकर उसे मेरे पास भेज दो। ठीक है दादाजी, अब तुम मेरी योजना ध्यान से सुनो विसर्पी। और कुछ ही देर बाद कालदूत की गुफा में ले जाओ, तुम्हारा ही भाई है। लाओ, इसको मैं घुमाकर लाती हूँ। अगर वेदाचार सही है तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। इससे पहले कि महात्मा कालदूत को पता चले, मैं इसको गुफा से बाहर। रुक जाओ विसर्पी, सम्राट हमारी नजरों से दूर नहीं जाएंगे। उफ, महात्मा को समझाने के लिए मेरे पास ना तो कोई तर्क है और ना ही समय। भागना पड़ेगा। रुक जाओ विसर्पी, अन्यथा हमको तुम पर प्रहार करना पड़ेगा। आह, विसर्पी को रुक जाना पड़ा, लेकिन कालदूत शिशु को हासिल नहीं कर पाए। ये क्या, तूने सम्राट को खाई में फेंक दिया ताकि ये तुझसे शासन छीन ना पाए? नहीं, तूने सम्राट को किसी अजनबी के हवाले कर दिया है। तू राजद्रोही हो गई है विसर्पी। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी मुझे सम्राट को बचाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महायुद्ध के दूसरे भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।